जैसलमेर में भारतीय रेलवे का पवन ऊर्जा संयंत्र कल से शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि पवन ऊर्जा से बनने वाली बिजली से अब देश की ट्रेनें दौड़ेंगी। शायद किसी को लगेगा कुछ जादू की जादू जैसी चीजें हाथ लगाए और बिजली शुरू हो गई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय रेलवे अब नया जादू करने जा रहा है। जादू ये कि हिंदुस्तान में अब ट्रेनें हवा से भी चलेंगी। बुधवार को दिल्ली से रेल मंत्री सुरेश प्रभु और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित रेलवे की विंड मिल का उद्घाटन किया। ये विंड मिल फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के कोड़ियासर गांव में है। यहां 160 करोड़ की लागत से 26 मेगावाट बिजली उत्पादन के 13 पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। पवन ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली राष्ट्रीय ग्रिड में जाएगी। इसका सीधा उपयोग रेलवे के लिए नहीं होगा, लेकिन इन संयंत्रों से जितनी बिजली पैदा होगी उतनी बिजली रेलवे को इलेक्ट्रिक ट्रेनों को चलाने के लिए कहीं भी मिल जाएगी, जिससे रेलवे का बिजली भार भी कम होगा। जैसलमेर से चलने वाली ट्रेनें भी यहां की हवा से बनने वाली बिजली से ही दौड़ेंगी। स्वच्छ ऊर्जा स्वस्थ ऊर्जा, यही हमारा नारा होने की जरूरत है। और ये स्वस्थ हो गया, स्वच्छ हो गई तो मैं मानता हूं सही मायने में रेल को भी एक अपना आनंद मिलेगा कि हमने पर्यावरण की रक्षा की और साथ ही में देश के लिए पैसे भी बचाए। पवन ऊर्जा से बनने वाली बिजली न सिर्फ स्वच्छ होगी बल्कि इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा और बिजली की बचत के साथ रेलवे के पैसे भी बचेंगे। जैसलमेर के इस पवन ऊर्जा संयंत्र से 500 लाख यूनिट का उत्पादन किया जाएगा। भारतीय रेलवे का लक्ष्य 5 साल में 1000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने का है।